भागलपुर कोषागार से 40 लाख की अवैध निकासी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना के सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया था। करोड़ों की संपत्ति, बेनामी संपत्ति के मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती से आयकर विभाग पूछताछ करेगी। आयकर विभाग ने मीसा भारती के पति शैलेश कुमार को भी आज तलब किया है। और इससे पहले 8000 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। अग्रवाल पर शेल कंपनियों की आड़ लेकर धन मुहैया कराने का आरोप है, जिसमें मीसा भारती की कंपनी मिशेल पैकर्स एंड प्रिंटर्स का नाम भी शामिल है। मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नीतियों के खिलाफ डॉक्टर्स की आज देशव्यापी हड़ताल है। देश भर के डॉक्टर्स दिल्ली में राजघाट पर रैली में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा होंगे और वहां से इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम तक पैदल मार्च निकालेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि चिकित्सा क्षेत्र में सरकार की गलत नीतियां डॉक्टर्स के काम में रुकावट बन रही है, जिसका खामियाजा प्रत्यक्ष रूप से मरीजों को भुगतना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में बदलाव की बह रही बयार और संगठन चुनाव की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस कार्य समिति की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। तीन तलाक से लेकर गौवध तक और देश की बिगड़ती आर्थिक हालत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक गहमा गहमी के बीच पार्टी के सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पार्थ चटर्जी का विवादित लेख सामने आया। पार्थ चटर्जी ने कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग में जनरल डायर की कार्रवाई से की। अंग्रेजी न्यूज पोर्टल शब्द वायर में लिखे लेख में चटर्जी ने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को एक तस्वीर लगाई है। उन्होंने कहा कि वो अपने विचार पर कायम है। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने जनरल डायर से तुलना की निंदा की है। पीसी चाको ने कहा कि लेख पूरी तरह गैर वाजिब है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सोमवार शाम को मामूली विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर पथराव और कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में गोली लगने से जख्मी हुए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर के नसीरपुर गांव में पानी के पाइप को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान फायरिंग में 22 साल के आकाश के सिर में गोली लग गई और एक महिला समेत चार लोग जख्मी हुए। गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बुलंदशहर के अनूप शहर में पुलिस और खनन माफिया की सांठगांठ से थाने में ही रेत का कारोबार हो रहा है। पुलिस की सांठगांठ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा। यहां बग्घी चालक रेत खनन करके लाते हैं और उन्हें पुलिस पकड़कर थाने में पलटवा देती है। बाद में अनूप शहर थाने की पुलिस रेत माफिया को रेत बेचकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरवा देती है। अनूप शहर थाने में रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली उस वक्त भरी जा रही थी जब थानेदार बच्चू सिंह, सीईओ डीके शर्मा और एसडीएम हिमांशु गुप्ता शांति समिति की बैठक कर रहे थे और इसी दौरान एक शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो पिछले 3 मई का बताया जा रहा है। हालांकि अनूप शहर के थानेदार बच्चू सिंह तो कैमरे पर कुछ भी नहीं बोले, लेकिन तहसीलदार हीरालाल सैनी ने मामले की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। बिहार के भागलपुर में एक शख्स को चाकू मारकर जख्मी करने वाले युवक की पुलिस ने इसे बचने के चक्कर में दलदल में फंसकर मौत हो गई। सराय चौक के पास आपसी विवाद को लेकर एक युवक पर दूसरे युवक ने चाकू से हमला किया था। हमले के बाद आरोपी पुलिस के डर से गोलाघाट में गड़ैया के तालाब में जलकुंभी में छिप गया, लेकिन उसके बाद वो निकल नहीं पाया और धीरे धीरे दलदल में समा गया। बाद में जलकुंभी हटाकर पुलिस की मदद से स्थानीय लोगों ने शव को खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। हरियाणा के मानसर में 9 महीने की बच्ची की हत्या के बाद उसकी मां के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ऑटो सवार 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने मंजीत महल गैंग के 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये शार्प शूटर्स गैंगवार की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी। दिल्ली के रानीबाग में एक बच्चे की कार में मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। 6 साल के सोनू की
लाश कल उसके घर के बाहर एक कार में मिली थी। बच्चे की मौत दम घुटने से हुई थी, लेकिन पुलिस पता नहीं लगा पाई कि बच्चा कार में कैसे पहुंचा। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बच्चे को बदलने का आरोप लगा है। महिला का दावा है कि उसने बेटे को जन्म दिया था, लेकिन बाद में बच्ची दे दी गई। अरुणाचल मोनेस्ट्री में चोरी हुई 900 साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति, दिल्ली से बरामद हुई। मोनेस्ट्री प्रमुख के दामाद और उसके दोस्त पर चोरी का आरोप लगा है, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बारिश के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए बीएमसी पूरी तरह तैयार है। जागरूकता फैलाने के लिए बीएमसी की तरफ से कई इलाकों में पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए। नमामि गंगे परियोजना को लेकर आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ। लखनऊ की छात्रा ऐश्वर्या ने खुलासा किया। नमामि गंगे परियोजना में 2053 करोड़ में से 326 करोड़ जारी हुए थे, लेकिन खर्च सिर्फ 170 करोड़ रुपए ही हुए। सरकार के अधूरे प्रोजेक्ट्स पर पीएम मोदी ने बैठक की। पीएम सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में कामकाज की ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने की जीएसटी स्टेटस समीक्षा। आपको बता दें कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू होना है। पीएम मोदी ने कहा जीएसटी अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित होगा। एक राष्ट्र एक बाजार और एक टैक्स से फायदा होगा। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए। जीएसटी लागू करने के लिए हर हाल में तैयार रहे। बैंकों ने जीएसटी की तैयारियों पर सवाल उठाए थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में आधी रात को करीब 1 बजे एसएसपी ने पुलिस कर्मचारियों की क्लास ली। हैरानी की बात यह है कि पुलिस कर्मियों की ये क्लास कमरे या पुलिस ऑफिस में नहीं, बल्कि लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर ली गई। एसएसपी दीपक कुमार ने कहा कि बेबाकी से अपनी राय रखने वाले सिपाही को सम्मानित किया, तो वहीं फिसड्डी थानेदारों को जमकर फटकार भी लगाई। एसएसपी ने साफ कर दिया कि अगर किसी ने भी रिश्वत ली तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को बदमाशों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीबीआई ने पूछताछ की। ये पूछताछ पंचकुला औद्योगिक जमीन घोटाले के मामले में हुई। यूपी के बरेली में बस और ट्रक के बीच टक्कर से हुए हादसे में 22 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख, गंभीर रूप से जख्मी परिवारों को 50,000 का ऐलान। बरेली हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख, घायलों को 50,000 और सामान्य रूप से जख्मी लोगों को 25,000 की मदद का ऐलान। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। मिर्जापुर में पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा तोड़े जाने का विरोध जताया। उत्तराखंड में बजट सत्र में सरकार तबादला एक्ट लाने जा रही है। सोमवार को तबादला एक्ट को लेकर प्रवर समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी संशोधनों पर सहमति बन गई है। इस एक्ट के बनने के बाद राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा सकेंगे। हालांकि इस एक्ट में सेना और अर्धसैनिकों की पत्नियों को छूट देने की बात कही गई है। पुणे में किसानों के बंद का बाजार पर असर दिखाई दिया। कई जगह दुकानें नहीं खोली गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है और कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का इंतजाम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील के बावजूद किसान आंदोलन और तेज हुआ। धार में किसानों ने दूध से सड़क पर सैकड़ों लीटर दूध बहाया। जम्मू के रिहायशी इलाके के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश है। आग 50 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैली हुई है। इस साल सितंबर से मुंबई में लोकल एसी की शुरुआत होगी। चर्चगेट से विरार के बीच ये सेवा शुरू की जाएगी। जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने युवक को कुचला। हादसे में युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिवारों ने हंगामा किया। रायपुर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई की गई। बिल्डिंग के बेसमेंट में पार्किंग की जगह बनी। अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। भुवनेश्वर में एक बस ने ओवरटेक करने के चक्कर में दंपत्ति को कुचल दिया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगाई। राजस्थान के बारा में ट्रॉली से बाइक टकराई। हादसे में 3 बाइक सवार की मौत हो गई।
जयपुर में हादसे के दौरान एक घोड़ा कार के अंदर जा घुसा, काफी मशक्कत के बाद घोड़े और ड्राइवर को बाहर निकाला गया। राजस्थान के बीकानेर में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया गया, महिलाओं ने मटकी फोड़कर अपना विरोध जताया। बिहार के जमुई में हथियार के साथ गिरफ्तार सरपंच को छोड़ने पर हंगामा हुआ, पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हुए। बिहार के सहरसा में छेड़खानी के आरोपी को सिर मुंडवाकर घुमाया गया, पंचायत ने अजीबोगरीब फैसला लिया। झारखंड के धनबाद में बिजली विभाग के जीएम और विधायक राज सिन्हा के बीच धक्का मुक्की हुई, विधायक बिजली कटौती के खिलाफ ऑफिस पहुंचे थे। झारखंड के गोडा सिविल कोर्ट परिसर में पति पत्नी और प्रेमी के बीच घमासान देखने को मिला, पति ने प्रेमी के साथ मारपीट की, पुलिस तीनों को पकड़ चुकी है। यूपी के फिरोजाबाद में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ट्रेन में सीट को लेकर यह झगड़ा हुआ था, आरोपी वारदात के बाद फरार। बिहार के मोतिहारी में एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जमीन विवाद के बाद मामला बढ़ने पर वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप। झारखंड के गढ़वा में चोरी के आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, इस मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया और मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। हरियाणा के जींद में एक युवक को गोलियों से भून दिया गया, बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग की, वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पौधे लगाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और पर्यावरण दिवस पर साफ सफाई का संदेश दिया। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, नगर निगम को दिए सफाई वाहन और कई जगह डस्टबिन भी बांटे। मुरादाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों ने पौधे लगाए और पार्क में लोगों ने योग का अभ्यास भी किया। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया गया, भारत की अनीता कुंडू ने कामयाबी हासिल की। पटना में सीएम नीतीश कुमार का लोक संवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली तार चोरी, बोर्ड पर ओवरलोडिंग और जल जमाव से निपटने के सुझाव दिए गए। बिहार टॉपर स्कैम में सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी है और कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की गई और परीक्षा व्यवस्था सुधार में जारी रहेगी। तमिलनाडु सरकार ने शहीद ग्रेनेडियर मनी वन्नन के परिवार को 20 लाख की आर्थिक मदद दी है, परिवार को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक हाथी रिहायशी इलाके में घुस गया, बताया जा रहा है कि हाथी जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में आ गया था। झारखंड के देवघर में भक्तों को फ्री वाईफाई सुविधा मिलेगी, प्राइवेट कंपनी ने मंदिर प्रशासन को यह प्रस्ताव भेजा है। इस हफ्ते 7वें वेतन आयोग के भत्तों पर फैसला हो सकता है, इस हफ्ते होने वाली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था माना है और कहा है कि 2017 में वृद्धि दर 7.2% रहेगी। डिजिटल लेन देन की जानकारी के लिए आरबीआई का वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, 5 जून से 9 जून तक देशभर में यह अभियान चलाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का अगला मुकाबला 8 जून को होगा, यह मैच श्रीलंका के साथ ओवल में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम में तेज गेंदबाज स्टीवन फिन को जगह मिली है, चोटिल खिलाड़ी क्रिस वोक्स को जगह टीम में शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में मिल रहे सुरक्षा इंतजामों पर संतुष्टि जाहिर की है, लंदन में हुए हमले के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह चिंता जाहिर की थी। टीम इंडिया का कोच बनने के सवाल पर पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्पिनर शेन वॉन बोले, मैं बहुत महंगा कोच हूं और बीसीसीआई मेरा खर्च नहीं उठा पाएगी।
सीपी जोशी ने आरसीए अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। जोशी ने कहा कि समर्थकों की वजह से ये वापसी हुई। फ्रेंच ओपन के मेंस डबल्स में रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार बाहर हुए, अब सिर्फ मिक्स डबल्स में ही चुनौती बची है। जीएसटी को लेकर वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा कि उन्हें हर हाल में जीएसटी के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा कि 12 जून को होने वाली समीक्षा बैठक में उन्हें जीएसटी को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। जीआरडीआई यानी कि ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में चीन को पछाड़कर भारत नंबर वन बन गया है। आपको बता दें कि तेजी से ग्रोथ करने वाले 30 देशों की सूची में रिटेल इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत पहले पायदान पर पहुंच गया है, जबकि चीन इस लिस्ट में दूसरे और मलेशिया तीसरे नंबर पर है। तुर्की को लिस्ट में चौथा स्थान मिला है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के विनिवेश के प्रस्ताव का विरोध किया है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जब एयर इंडिया को जानबूझकर डुबोया जा सकता है तो इसे सख्त फैसले लेकर उभारा भी जा सकता है। एनटीपीसी अब देशभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन लाएगी। कंपनी ने ऐसा पहला चार्जिंग स्टेशन अपने दिल्ली और नोएडा ऑफिस में शुरू किया है। एनटीपीसी का कहना है कि नए कारोबार का मकसद क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन्स पर बढ़ते मेलवेयर के खतरे को देखते हुए गूगल ने उन हैकर्स को $2,00,000 का इनाम देने का फैसला किया जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में बग ढूंढकर दिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से कई देशों पर लगाए गए ट्रैवल बैन को और कड़ा करने का आदेश दिया। लंदन आतंकी हमले के बाद ट्रंप ने यह कदम उठाया। ट्रंप सरकार ने 6 मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका में आने पर बैन लगाया हुआ है। अमेरिका के ऑरलैंडो शहर में कंपनी के दफ्तर में एक हमलावर ने फायरिंग कर दी। वारदात में कंपनी के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हमलावर कंपनी का ही एक पूर्व कर्मचारी बताया जा रहा था। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर से अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए हैं। इन देशों ने कतर पर आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता देने और दुनिया में आतंक फैलाने का आरोप लगाया। कतर ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। चीन के शहडोंग प्रोविंसी में एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में धमाके के साथ आग लग गई। धमाके में 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जबकि 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हादसा एक गैस टैंकर में आग लगने की वजह से हुआ। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हताहत हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। इराक के मोसुल पर से आतंकी संगठन आईएसआईएस की पकड़ काफी कमजोर होती जा रही है। इराक की सरकारी सेनाओं ने मोसुल के अल जोनिजल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। मोसुल का 1/4 इलाका ही अब आईएसआईएस के कब्जे में बचा है। इराकी सेना का दावा है कि जल्द ही पूरे मोसुल को आईएसआईएस से आजाद करवा लिया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से 2 क्रू मेंबर वापस धरती पर लौट आए हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स में एक अमेरिका का और दूसरा रूस का रहने वाला है। स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने के बाद इन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेसशिप कैप्सूल कजाकिस्तान में उतरा है और लैंडिंग के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित हैं। अमेरिकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपने फॉल्कन 9 ड्रैगन कार्गो स्पेसक्राफ्ट को रिलॉन्च किया है। फॉल्कन 9 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहले भी आईएसएस के लिए उड़ान भर चुका है और इस रिलॉन्चिंग के कामयाब होने के बाद स्पेसएक्स कम बजट में अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देने के अपने मकसद में और आगे बढ़ गई है। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में मौजूद राष्ट्रपति निकोलस मदुरे को हटाने को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ आम लोग लगातार सड़क पर डटे हुए हैं। राजधानी काराकस में जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पें भी हुई। 2 महीनों से ज्यादा वक्त के जारी प्रदर्शनों में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में सालाना बुलफाइटिंग हुई। बुलफाइटिंग के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायल होने वाले लोगों में से ज्यादातर नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। बुलफाइटिंग के दौरान काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। इंग्लैंड के कोक्सहीत शहर में सालाना कस्टर्ड पाई फेंकने की वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस साल इस चैंपियनशिप के 50 साल पूरे हुए हैं। इस चैंपियनशिप में इंग्लैंड की 12 टीमों के साथ साथ कई विदेशी टीमों ने भी हिस्सा लिया।